इन तीन प्रश्नों को सुनिए। पहला प्रश्न, मां पार्वती बोली, नाथ आप अगर मेरे ऊपर कृपा करें तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूं, आप कृपा कीजिए, मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। कहिए क्या पूछना चाहते, क्या प्रश्न करना चाहते, पूछो। बोले मैं आपसे यह जानना चाहती हूं, मेरे तीन प्रश्न हैं। पहला मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? ध्यान से सुनना, सबसे पहला मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ा नीच व्यक्ति कौन है? दूसरा मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? समझ में आ रही बात? पहला, सबसे नीच कौन है? दूसरा, सबसे कठिन काम क्या है? और तीसरा और महत्वपूर्ण, अपनी बेटी किसको नहीं देनी चाहिए? आजकल हम लोग अपने बराबर का लेवल देखते हैं, ये ठीक है हमसे अच्छा है इसको दे दे, लेकिन यहां पर बहुत बहुत ना के बराबर ऐसे लोग रह गए हैं जो बेटी को इन बातों के अनुसार बेटी देते हो। आजकल तो एक ही चीज पूछी जाती है, कितना पैसा कमाता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। मैं दावे से कहता हूं, अगर पैसे से नजर हटा लो तो बड़े से बड़े व्यक्ति का बेटा कुंवारा रह सकता है, गुण नहीं। और ये तीनों प्रश्न आज के समाज के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य हैं, ध्यान देना चाहिए। हम लोग कहते दहेज प्रथा, मान लिया कि दहेज प्रथा इस समाज में बहुत बुरी चीज है, आज भी मैं भी इसको कई बार बोल चुका हूं, लेकिन दहेज प्रथा से पहले भी एक मेंटेलिटी गिरती है, वो ये है कि मुझे पैसे वाला ही लड़का चाहिए। जब हम लड़का देखने जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि ये रिश्वत तो नहीं लेता है, पूछते हैं बेईमानी तो नहीं करता है, पूछते हैं, कभी पूछते हो कि दो चार माला करता है कि नहीं करता है, ये व्रत करते हैं कि नहीं करता है, ये थोड़ा संयमी है कि, कभी पूछते हो ना, जॉब कहाँ है, कितना पढ़ा है, कितना कमाता है, ये इसी बात पे केंद्रित है, पूरी शादी इसी पे डिपेंड है। जब तुम ही देखने जा रहे हो व्यापारी तो सामने वाला भी व्यापारी, काश तुम ढूंढते कि तुम्हारा बच्चा आचरण में अच्छा है कि नहीं। अभी हम बताएंगे उस विषय पे, पूरी कथा सुनो ध्यान से। तीन प्रश्न, कौन से तीन प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा नीच कौन है? नीच कौन है सबसे बड़ा? वह व्यक्ति सबसे बड़ा नीच है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर भाग जाता है, जिम्मेदारियों से अलग भाग जाता है, वो सबसे बड़ा नीच है। शादी की, शादी के बाद बच्चे हुए और किसी भी कारण से, जैसे कई लोगों को दूसरी कन्या पसंद आ गई और दूसरी आ गई, इसको छोड़ा, चलो अब हम तलाक ले ले, हम तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुम छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? ये भूखे, अरे मैं पैसा दे दूंगा, पैसा भी दे देंगे, बाप कहां से देगा? पैसा तो बाप नहीं बन जाएगा ना, जब पेरेंट्स मीटिंग में उसे बच्चे को बुलाए, बाप को बुलाएंगे, कहां जाएगा, कौन जाएगा? ठीक है मैं आ जाया करूंगा, किसके साथ? न्यू मम्मी के साथ। बच्चे पूछेंगे ऑलवेज, तो तेरी मम्मी ये आती थी, ये कौन है? तो उस बच्चे को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दूसरा, उस बच्चे को जिम्मेदारी तुम निभाने से भाग गए,
अपने पत्नी की जिम्मेदारी, पत्नी का कार्य है घर को संभालना, पति का कार्य है बाहर जाके मेहनत करके संभालना। जिम्मेदारियां निभाए। वो सबसे नीचे है जो भूखे पत्नी भूखे बच्चों को देखकर जिसका हृदय ना पिघलता हो, जिसका हृदय विदीर्ण ना होता हो। जो मनुष्य अपने घर में बच्चों को अपनी पत्नी को भूख से तड़पते हुए देख सकता है, उससे बड़ा नीच कोई नहीं। उसके लिए तो मृत्यु ही सबसे बड़ा महोत्सव है। अभिप्राय, ऐसे व्यक्ति को मर जाना ही ठीक है जो अपने पत्नी अपने आश्रित पत्नी और अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखकर अपने व्यसनों में व्यस्त रहता हो। सनातन धर्म कहता है जिसके साथ हमने मर्यादित होकर सात फेरे लेकर विवाह किया हो, कभी भी उसे वेशहारा नहीं छोड़ना चाहिए। ये शास्त्र मर्यादा। आज के समय में चलता हुआ ये जो समाज का चलन है वो बहुत गंदा है, तलाक बलाक लेना। हमारे यहां कोई शब्द नहीं है ऐसा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी तुमने संसार के हित के लिए बड़ा मन सुंदर प्रश्न किया है। संसार में सबसे बड़ा नीच वही है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बेसारा छोड़कर सिर्फ अपने सुखों की खातिर जीता है, उससे बड़ा नीच कोई नहीं। और आजकल समाज में ऐसे विभूति बहुत हो रही है। मैं नीच नहीं कह रहा हूं, पार्वती मैया का प्रश्न है, बाबा भोलेनाथ उसका उत्तर दे रहे, मैं सिर्फ डिलीवरी कर रहा हूं। समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बोले संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को सुखी रखना। क्यों? बोले इसलिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह का नाम सुखालय नहीं है, उस लोक का नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। दुखालय का अभिप्राय है कि हम और आप जहां रह रहे हैं वहां सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे। और किसी किसी के जीवन में तो इतना बड़ा दुख आता है कि वो दुख जिंदगी भर के लिए उसको दुखी कर जाता है, जीवन पर्यंत के लिए। इस स्थिति में, कठिन परिस्थिति में, दुखालय में पहुंचकर भी अपने आप को सुखी रख पाना, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, ये सबसे कठिन काम है। मेरी बात पर विश्वास न मानो तो बताओ यहां कौन कौन सुखी बैठा है? क्या कभी दुख नहीं हुआ है जीवन में? है ऐसा कौन सा जीव जगत में जिसने दुख ना झेला, राही चल अकेला। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने दुख नहीं झेला है। भगवान भी जब धरती पे आते हैं तो वो भी अनुकरण करके बताते हैं, देखो मैं भी दुखी हो रहा हूं यहां। सीता मैया का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, अयोध्या जैसा साम्राज्य छोड़ के जाना पड़ा, यह सुख है कि दुख है? एक रत्ती भर भी दुख नहीं आया हमारे जीवन में उनके बराबर। भगवान कृष्ण नहीं आए, उससे पहले उनके 6 भाइयों को मार दिया गया जन्म लेते ही। एक रत्ती भर दुख नहीं आया हमारे जीवन में उनके बराबर। कठिन स्थितियों को होने के बावजूद भी अपने आप को सुखी रखना, यही सबसे कठिन काम है। अब बोलो है कि नहीं ये कठिन काम? बोलो है कि नहीं ये कठिन काम? सबसे कठिन काम क्या? अपने आप को सुखी रखना। ये संसार की सबसे बड़ी संपत्ति भी है अपने आप को सुखी रखना। संसार तो चलता रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हारे अपने भी आएंगे और जाएंगे। तुम्हारे घर में तुम्हारी मर्जी से कोई आया नहीं, तुम्हारी मर्जी से कोई जाएगा नहीं। यहां तो संसार है, चलता रहेगा, लेकिन तुम उनके साथ, कोई आ गया तो तुम्हारे ढोल बजने लगे और तुम, कोई चला गया तो रोने लगे। तुम अपने आप को न सुखी रख सकते न दुखी रखोगे। लेकिन एक बात जब समझ लोगे कि मैं अकेला कृष्ण का हूं, कृष्ण अकेले मेरे हैं, बाकी के संसार में तो ये यात्रा चल रही है, बाकी का ठाकुर जी जाने, ठाकुर जी का काम जाने, कोई आएगा तो उस भी उसकी मर्जी, कोई जाएगा तो भी उसकी मर्जी, ये सोच लोगे तो सुखी हो जाओगे।
घर में कोई चला गया तुम रोने बैठ जाओ, घर में कोई आ गया तुम हंसने बैठ जाओ। तुम कितनी बार आए हो, कितनी बार गए हो, तुम्हारे लिए भी लोग रोए हैं, कितनी बार तुम्हारे जाने के बाद भी लोग रोए हैं, तुम्हारे आने पर भी बैंड बजे हैं। लेकिन ये यात्रा तो बदस्तूर आज तक जारी है, रुकी तो न तब थी ना आज। किसी के जाने से हम संगम में नहीं कूद पड़े और किसी के आने से हमने कोई माता रानी को कोई सोने का छत्तर नहीं चढ़ा दिया। हम तो वैसे ही। तो सबसे कठिन काम है, बताओ है कि नहीं सुखी होना? थोड़े दिन सुखी हो जाओ तो कईयों को तो ये गलत फहमी हो जाती है, मैं जब जब खुशी होता हूं तब तब मुझे बुखार आ जाता है। सच्ची में मुझे तब ना कोई परेशानी जरूर होती, जब मैं ज्यादा खुश होता तभी परेशानी आ जाती। एक तो इस भ्रम को ही हटा दोगे, तुम सुखी होगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम अब सुखी हो पर सुख का प्रदर्शन मत करो। सबसे कठिन काम है अपने आप को प्रसन्न रखना। तो भगवान से प्रार्थना करो, मुझे इतना प्रसन्न रखना नाथ कि मैं तुझे कभी न भूलूं और तू मुझे कभी न भूले, इतनी प्रसन्नता मुझे दे रखना। सही है कि गलत है? पता है मुझे सही है। तो नाथ ये दूसरा सबसे कठिन काम है, कौन सा? अपने आप को प्रसन्न रखना। और तीसरा, अपनी लड़की किसको देनी चाहिए, अपनी लड़की किस के साथ ब्याहनी चाहिए, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। माँ पार्वती पूछ रही हैं बाबा भोलेनाथ से। आज समाज में ये प्रश्न नहीं होता। कोई कहता है कि तेरा घरवार कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यापार कितना है, कोई कहता है कि तेरा व्यवहार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता प्रभु से प्यार कितना है। कोई नहीं कहता। हे पार्वती, जब बेटे का विवाह करना हो, बेटी का विवाह करना हो, लड़का देखना हो, परिवार देखना हो, तो कुछ चीजों को जरूर देख लेना चाहिए। जिनके घरों में ये चिन्ह हो उनके घरों में कभी शादी न करे। जिन जिन के बेटियां हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे चिन्हों वालों के यहां पर, ऐसे कर्मों वालों के यहां पर कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। क्या चिन्ह है महाराज? बोले सुनो, जो बच्चा संस्कार रहित हो, जो संस्कारी न हो, ध्यान से सुनना, जो बच्चा संस्कारी न हो ऐसे बच्चे को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। हम लोग संस्कार विहीन लोगों को अपनी बेटियां दे देते हैं तो वही लोग 2 साल बाद 3 साल बाद किसी थर्ड पर्सन से मिलते हैं और हमारी बेटी को कहते हैं तुमसे हम सुख नहीं है, जाओ तुम अपने घर चले जाओ। नाना प्रकार के दुख मिलते उस बेटी को। संस्कारवान व्यक्ति होगा तो यह याद रखेगा कि मेरे संस्कारों में यह परमिशन नहीं है कि मैं किसी के घर से लाई हुई बेटी को या अपनी ब्याहता पत्नी को दुख दूं। वो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि मैं उसका पालन करूं, संभाल के रखूं, उसे प्रसन्न रखूं, यह मेरा दायित्व है। संस्कार विहीन बच्चे को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। दूसरा, जिस परिवार में संतति कम होती हो, मींस पुत्रों की संतति कम होती हो, उस परिवार में भी अपनी बच्ची कम ना ही दें तो ज्यादा अच्छा। अभी आप समझ नहीं रहे होंगे, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा पता नहीं उसको लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना ही समझ लो, जिस परिवार में संतति कम होती हो वहां नहीं देनी चाहिए। मैं भी क्यों झंझट में पड़ू, इतना ही समझ लो। तीसरा, जो अपने पुराणों का, वेदों का, ऋषि मुनि परंपराओं का सम्मान न करता हो उस घर में कभी भी बेटी नहीं देनी चाहिए।
विवाह ऐसे होगा, अग्नि के फेरे होंगे, ये पद्धति किसकी है? ऋषियों की है कि नहीं? है कि नहीं? और वो पी के पड़ा रहता है, वो तो ऋषि परंपरा को मानता ही नहीं, वो वेद को नहीं मानता, वो पुराण को नहीं मानता, वो तुम्हारी बेटी का क्या सम्मान करेगा? क्या सम्मान करेगा बताइए जरा, कितना सम्मान करेगा वो? उस जगह पर भी बेटी नहीं देनी चाहिए जहां वेद पुराणों का सम्मान ना होता हो, जहां धर्म का सम्मान ना होता हो। उस जगह पर, उस घर में बेटी देने से बेटी को दुख ही प्राप्त होते हैं। और सनातनियों से मेरा निवेदन है, जितने भी सनातनी मुझे इस समय सुन रहे हैं यूट्यूब पे अथवा यहां, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप लोग सभी अपने घरों में वेद पुराणों को स्थान दीजिए। ये पुराने कथाएं आपके चरित्र का, परिवार का निर्माण करती हैं। किस लिए? आप कौन चाहेगा कि मेरा बेटा ठेके पे खड़ा होकर पीता रहे? कौन चाहेगा मेरा बेटा जुआ खेले? बोलो, कोई चाहेगा? जवाब दो। पुराण यही करने से तो रोकते हैं। पुराण करते क्या? तुम्हारे चरित्र का निर्माण। इसलिए पुराणों को बच्चों को बचपन से सुनाओ, जिससे जवान होते होते वो उस लायक समझ जाएं कि नहीं, ये गलत है कि मैं बिना शादी के किसी की बच्ची को होटलों में ले जाऊं, या रोड पे घुमाऊं, या खाना खिलाऊं, या मूवी थिएटर ले जाऊं। ये मेरे पुराण अलाउ नहीं करते, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता, इसलिए मुझे मेरे इस देश की कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। इसलिए पुराण और रामायण और शास्त्र, इनका ज्ञान जिसको हो उसके घर में अपनी बच्ची को ब्याहना चाहिए। जो पुराण रहित हो, जो ज्ञान रहित हो, जो संस्कार रहित हो, उस बच्चे को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। तमाम बेटियां आती हैं हमसे, कहती हैं महाराज हमारा पति पीता है, कथा में आने नहीं देता। तमाम बेटियां आती हैं हमारे पास, जो शिष्य हैं जिन्होंने विवाह से पहले दीक्षा ले रखी है, महाराज हमारा पति तो ऐसा मिल गया, हमारा पति ऐसा मिल गया। क्यों? क्योंकि वो धर्म युक्त नहीं है, धर्म परायण नहीं है वो। उसे क्या मतलब कथाओं में क्या होता, पुराणों में क्या होता? उसे तो लगता है सैलरी घर पे आ जाए और मदिरा शाम को मिल जाए और पत्नी जो है वो थोड़ा सा घुमाने फिराने ले जाए, बच्चे हो जाए, यही लाइफ है। ये कोई लाइफ है? नरक है। पीने के बाद बर्बादी शुरू होती है, माइये समझ लीजिए। जो पीता है वो आबाद नहीं रह सकता। अब आप कहोगे बड़े बड़े लोग हैं, घर में जाके देखो सब बर्बाद है, आबाद नहीं है। बड़ी बिल्डिंग में रहने से कोई आबाद नहीं होता। मन में अगर बेचैनी हो, मन में अगर अशांति हो, मन में अगर परेशानी हो, तो आप समझो बर्बाद हो, आबाद नहीं हो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। अच्छा, एक बहुत विशेष बात बताई इसमें, जिस परिवार के स्त्री पुरुषों की देह पर बहुत लंबे लंबे बाल हों, देह पर, सर पे नहीं, देह पर बहुत लंबे लंबे बाल हों, उस परिवार के लोगों में भी अपनी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। ये इसमें लिखा, मेरा फॉल्ट नहीं, इसमें लिखा मेरे मन से नहीं कह रहा, उसके यहां भी शादी नहीं करनी चाहिए। जिसके यहां क्षय रोग होता है, एक जिस परिवार में क्षय रोग की बीमारी हो, वहां पर भी अपनी बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। एक मंदाग्नि रोग होता है, अगर किसी के घर में जिसे भूख कम लगती है, उसे मंदाग्नि रोग कहते हैं। अगर उसके घर में कोई ऐसा हो, जिसे वो बेटा ऐसा हो, मतलब जैसे भूख कम लगेगी वो खाएगा कम, खाएगा कम तो अष्टपुष्ट कम रहेगा, कुल मिला के पता चले कि समय से पहले ही वो बीमार हो गया, तो अष्टपुष्ट होना चाहिए मंदाग्नि रोग वाला, मतलब अच्छा खाने पीने वाला हो, जो कम खाने पीने पर, वो जो मकई मम्मी पापा ये तो खाता ही नहीं, हमारी आपकी बेटी को तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा, तो मतलब कैंसिल कर दो उस विवाह को। बोला हमारी बेटी को भोजन बनाना पसंद है, इसलिए हम नहीं करेंगे ऐसे लड़के के साथ, कैंसिल। जिसके परिवार में किसी को मिर्गी आती हो, उस परिवार में भी अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए।
न जाने अब क्यों परिवार को क्यों चुन रहे हैं कि अगर हमने ऐसे किया तो आने वाली संतति ऐसी हो सकती है बेटी की। ये सारा ध्यान उसी पे है। ये जितने भी नियमावली बताई बनाई जा रही है आने वाली संतान को गुणवान और स्वस्थ बनाने के लिए की जा रही है। यहां कोई उनमें दोष नहीं देखा जा रहा है, आप समझो इस बात को। यहां जो बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं कि आने वाली संतति मतलब जो तुम्हारा वंश चलाएगी, आने वाली पीढ़ी, वो अच्छी हो उसके लिए गुण बताए जा रहे हैं। तो जिसे मंदाकिनी जिसे रोग मिर्गी रोग हो उसके घर में भी ब्याह नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर पे सफेद दाग हो, जिनके परिवारों में कोई रहता हो उनको भी उनके घर में विवाह नहीं करना चाहिए। जिनको कुष्ठ रोग हो उनके घर में भी विवाह नहीं करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी के वो रोग भी हो सकता है। तो इन नियमों को बताया गया कि बेटी इन लोगों की नहीं देनी चाहिए जो धर्मविहीन हो या जिनको ऐसी ऐसी बीमारियां हों।